हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर ग्लोब मैराइन वर्सेस प्राइम हाई ट्रांसपोर्ट के बीच में होने वाला पहला T10 मैच के बारे में। अगर लीग की बात करें तो लीग का नाम है शारजा CBFS T10 लीग है और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार रात 9 बजे होने वाला है। अगर स्टेडियम एंड वेन्यू की बात करें, ये मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएंगे। तो यहाँ तक जो भी इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, उसका बाद आपको दोनों टीम की स्क्वाड पूरे प्लेयर्स के स्टैट्स के साथ में कवर करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, उसका बाद टीम कॉम्बिनेशन, पिच रिपोर्ट क्या होने वाला, क्योंकि पहला T10 मैच है। सारे डिटेल्स आपको यहां पर स्टैट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज है प्लेयर्स की स्टैट, तो यहां पर मैंने सारे प्लेयर्स की स्टैट्स यहां पर कवर किया। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम आपको करना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट विद SC सर्च करना, सर्च करते आपको मेरा चैनल शो हो जाएगा। आप एक और तरह से सर्च कर सकते हो, आपको मेरा चैनल यहां पर शो हो रहा है @shatrughn225 भी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल शो हो जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो फाइनल टीम होगा आपको मैं टेलीग्राम पे ही दे पाऊँगा। 1306 सब्सक्राइबर्स ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट विद SC सर्च करते हैं, मेरा चैनल शो हो जाएगा दोस्तों। आप जल्दी से आके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, यहीं पर आपको फाइनल टीम मिलने वाला है, वो भी विनिंग टीम मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों टीम की स्क्वाड और प्लेयर्स की स्टैट। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंटर ग्लोब मैराइन की। इंटर ग्लोब मैराइन के जो पहला प्लेयर है दोस्तों, आप देख सकते हो संदीप सिंह है। लास्ट 5 मैच में 2 मैच नहीं खेले, 18 रन, 9 रन और 29 रन बना के आउट हो गए। बसील हमीद की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 5 रन, 8 रन, 35 रन, 61 रन, कोई विकेट नहीं, 0 रन, 5 विकेट लिए, तो यहाँ पर एक अच्छे विकेट्स लिए हैं। विष्णु सुकुमारन की बात करें, 0, यहाँ पर नहीं खेले, 20 रन, 4 रन, 7 रन बनाए। उसके बाद CP रिजवान की बात करें, एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, 4 रन, कोई विकेट नहीं, 4 रन, 19 रन, 1 विकेट, 0 रन, और जो लास्ट मैच खेला वहाँ पर 76 रन बनाए। उसके बाद यसीर कलीम की बात करें तो यहाँ पर एक शतक भी है इनके पास, 25 रन, 18 रन, 72 और 39 रन। तो यहाँ पर इनके पास शतक भी है, 25 रन है, फिर 72 रन है, तो आप इनको कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद शहनवाज खान की बात करें, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 रन, कोई विकेट नहीं है। उसके बाद तौकीर रियासत की बात करें, 67 रन से 1 विकेट, 0 रन, 1 विकेट, 2 रन, 1 विकेट, 1 रन, 1 विकेट, 0 विकेट है। लुकमान हजारत की बात करें, 1 विकेट, 4 रन, 2 विकेट, 11 रन, 1 विकेट, 0 रन, 1 विकेट और 1 विकेट यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद आसिफ मुमताज की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इनका स्टार्ट, 1 रन, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट यहाँ पर, 7 रन, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। इसके मैच के अलावा हर मैच में ये विकेट लिए हैं लास्ट 5 मैच में। गोपाल कुमार गोपाल कृष्णन भी एक अच्छे प्लेयर हैं, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 रन, 1 विकेट और 3 विकेट लिए हैं। उसके बाद हर्षित सेठ की बात करें दोस्तों, तो स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट लिए हैं। उसके बाद हैरी बरवाल की बात करें, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 रन, कोई विकेट नहीं, 2 विकेट और 0 विकेट लिए हैं। आसिफ खान की बात करें, 51 रन, 64 रन, 19 रन, 72 रन, 2 विकेट और 13 रन बनाए। बाबर गजनफर की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 22 रन, 3 रन, 28, 19 और 0 पे आउट हो गए। और भाई प्राइम हाइट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहला जो प्लेयर है अतिकुर रहमान है, 4 रन, 42, यहाँ पर नहीं खेले, 2 रन और 0 पे आउट हो गए। अमजद खान की बात करें, 42, यहाँ पर इनका स्टार्ट सब देख सकते हो, ओवरऑल स्टार्ट यहाँ पर 43 मैच, 85 रन और 42 विकेट लिए। मोहम्मद अकीब की बात करें, 34 मैच, 272 रन है। रियाज खलीक की बात करें, 43 मैच में 304 रन बनाए और 60 विकेट लिए। उसके बाद मोहम्मद अरशद की बात करें, 22 मैच में 19 विकेट है। इरफान उल्ला 4 मैच में 96 रन बनाए। असमत उल्ला 8 मैच में 13 रन, 4 विकेट है। मोहम्मद नईम 10 मैच में 79 रन और 2 विकेट लिए हैं दोस्तों। उसके बाद रहमान उल गुल की बात करें, रहमान गुल की 4 रन बनाए, 10 रन, 42, 4 और यहाँ पर नहीं खेले। हजरत बिलाल की बात करें तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, लास्ट 5 मैच में 1 विकेट, 1 विकेट और यहाँ पर लास्ट 5 मैच में 2 ही विकेट मिले इनको। गुलाम फारिद की बात करें, इनका स्टैट्स बहुत अच्छा है, 134 मैच, 5160 रन और 25 विकेट लिए। महबूब अली लास्ट 2 मैच में 1 ही विकेट लिए, 0 रन, 0 विकेट और 1 विकेट लिए। मोहम्मद उल्लाह की बात करें, 3 मैच, 2 रन, कोई विकेट नहीं है। अनवर गुल की बात करें, 11 मैच में 253 रन, 0 विकेट है। रफीक जमान की बात करें, 93 मैच, 1696 रन और 20 विकेट लिए। अमजद गुल की बात करें,
चार रन एक रन यहाँ पर नहीं खेले, 6 और 25 रन बनाए। सरीन खान की स्टार्ट नॉट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर अदनान उबैदुल्लाह की बात करें, 84 विकेट 1139 रन 109 मैचेस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही प्लेयर का स्टैट्स नहीं मिले टीम स्क्वाड में, उसके बाद सारे प्लेयर्स की स्टैट्स आपको मैंने दे दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको दोनों टीम के यहाँ पर प्लेइंग 11 स्टैट्स टीम स्क्वाड मिल गया। अब बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर बात करें आसिफ खान और संदीप सिंह आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे इंटर ग्लोब मैराइन के लिए। यसीर कलीम, सीपी रिजवान, बसील हमीद मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। बैटिंग लाइनअप मिडिल ऑर्डर है, सीपी रिजवान एंड ताइक्यू रियासत आपको इस टीम का ऑलराउंडर की ऑलराउंडर्स है। सीपी रिजवान, लुकमैन हजरत, हारिफ भरवाल, गोपाल कुमार, गोपाल कृष्णन और एक और प्लेयर है दोस्तों ताइक्यू रियासत। रियासत आपको यहाँ पर मेन बॉलर्स है इंटर ग्लोब मैराइन के लिए। तो वहीं यहाँ पर प्राइम हाइट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो अमजद गुल, अनवर गुल आपको ओपनिंग करेंगे, अतिकुर रहमान, अमजद खान और रफीक जमान आपको मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। हजरत बिलाल एंड फरीद गुलाम आपको की रोल ऑफ ऑलराउंडर्स है प्रीम हाइट ट्रांसपोर्ट की। तो उसके बाद यहाँ पर हजरत बिलाल, असमतुल्ला, मोहम्मद अरशद, महबूब अली एंड फर्दी गुलाम आपको इस टीम का की बॉलर्स है। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोनों टीम की आपको कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है। ये जो पिच है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन बैटिंग पिच है दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर, और यहाँ पर एवरेज स्कोर एक अच्छे बन सकते हैं 100 प्लस बनेंगे, मतलब इसका मतलब बैटिंग पिच है 108 से 120 130 भी बन सकता है, क्लियर स्काई रहने वाला है और टेम्परेचर 21.28 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। तो यहाँ तक आप देख सकते हो दोनों टीम की आपकी कॉम्बिनेशन, प्लेइंग 11, स्टार्ट सब कुछ मैंने बता दिया। अब जो मेन चीज़ होने वाला दोस्तों वो होगा मेरा फाइनल टीम। तो चलिए दोस्तों फाइनल टीम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर मैं विकेट कीपर में अतिकुर रहमान को लिए, बैट्समैन में यहाँ पर एक खान, बाबर गजन पर विक्सु कुमारन है और ऑलराउंडर्स में सीपी रिजवान, रियासत और हम एच बिलाल है दोस्तों। गेंदबाजी में लुकमान हजरत, ए मुमताज, एम अली और एम मिर्साद है। अगर यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, सीपी रिजवान को मैंने कैप्टन लिया और वाइस कैप्टन में वी सुकुमारन है। तो दोस्तों ये मेरा डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है। यहाँ पर मैं गोपाल कुमार, गोपाल कृष्ण को, बहुत प्लेयर्स को नहीं लिए, ये डेमो टीम है दोस्तों। इसी तरह आपको टीम बनेगा, जो फाइनल टीम होगा दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा चेंजिंग भी नहीं होने वाला है, 1 से 2 चेंजिंग होगा दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम जो होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये पर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।